24 जून को हमने महाराष्ट्र के वज़ीर आला से ख़त के ज़रिए मुतालबा किया था कि नमाज जुमा की हमको इजाज़त दी जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी में पूजा की 500 लोगों के कुछ फासले के साथ इजाज़त दी थी, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जुमा की नमाज की हमने इजाज़त अपने वज़ीर आला से तलब की थी। और उसके बाद अब बकरीद भी है और ईद की नमाज़ भी है, लिहाजा बकरीद के लिए भी हम लोगों को सहूलत दी जाए और नमाज ईद की भी हमको सहूलियत दी जाए। जो हुकूमत हम पर पाबंदी आयद करेगी और जो कानून हमको बताएगी कि इतने फासले पर रहें, इस तरीके से नमाज़ पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें, तो जो जो वो हमको गाइडलाइंस देंगे हम उसको फॉलो करेंगे, मगर हमको नमाज की और कुर्बानी की इजाज़त दे, यह हम उम्मीद करते हैं अपने वज़ीर आला से कि वो ज़रूर नमाज की और कुर्बानी दोनों चीज़ों की हमको इजाज़त देंगे।